हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। थोड़ा बहुत कपालभाती करके ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज थोड़ा बहुत ही करूँगी और उसके बाद ना खाना वगैरह बनाना है जल्दी जल्दी हस्बैंड के लिए। तो इधर ना बाहर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये रखा है, मैं कूड़े में डालूँगी अभी। तो सुबह 5:30 बजे 5 बजे ना पानी आता है सप्लाई का, वो भर के रखी थी तो पूरा मतलब फैल गया, और मतलब पानी था उसमें पूरा पानी पूरा किचन में भर गया है और पता नहीं अपने आप ही फूट गया है। तो इसको उसका टूटी मैं निकाल के फिर इसको फोड़ के मैं कूड़े वाले को देने जाऊंगी। फिर कूड़ा वगैरह दे के आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो इधर खाने में जैसे कि दाल, कुकर में दाल है और ये बैंगन की भाजी बना रही हूँ। तो हमारे बैंगन का भाजी बन गया है तो एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके बाद ना जैसे कि आलू भी बनाऊँगी देवांश के लिए, इसके टिफिन में डाल देने के लिए। तो आलू को बहुत छोटा छोटा करके काट लिया है और इधर मैं दूध गर्म कर ले रही हूँ देवांश को देने के लिए। तो इधर जैसे हमारा दूध गर्म हो गया तो मैंने कप में निकाल के रखा है और आलू हमारा बन गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर आधा इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा है उसमें दाल में डाल दूँगी। तो इधर हमारा आलू का भुजिया बन गया है। तो प्लेट में निकाल के फिर कढ़ाई में मैं दाल के लिए छौंका बनाऊंगी अभी। तो हमारा बैंगन का भुजिया और आलू का भुजिया बन गया है कुछ इस तरह से। तो हमारा दाल भी इधर छौंका लगा दिया है और आटा वगैरह भी लगा लिया। तो फटाफट से हस्बैंड जी को बना के देते हैं रोटी वगैरह खाने के लिए और उसके बाद टिफिन भी पैक करना है। तो इधर हमारा ना अच्छे से दाल को मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें टमाटर है ना तो थोड़ा सा गल भी जाएगा, अच्छे से गल गया था तो फिर भी एक बार मिक्स कर देते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ मिक्स वाला दाल कुछ इस तरह से। तो हमारा दाल भी अच्छे से पक गया है। तो फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ और हस्बैंड जी को भी रोटी खाने के लिए दे दूँगी। देवांश नहीं खाएगा, उसने दूध पी लिया है। तो रोटी वगैरह बना के फिर टिफ़िन वगैरह भी पैक करना है। तो पहले ऐसी सिंपल वाला रोटी बना के देवांश के लिए, बाद में अभी मैं पराठा बना के दी हूँ। तो उनको टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद में ये आ गई मैं बिस्तरा वगैरह उठाने के लिए। तो सुबह जैसे कि जल्दी काम रहता है और देवांश का तैयार वगैरह होता है ना, तो ये ऐसी बिस्तरा वगैरह उठा नहीं पाती हूँ सुबह के टाइम। तो उन लोग चले गए हैं, उसी टाइम मैं बिस्तर वगैरह उठा के फिर किचन में आ गई। तो किचन में कुछ इस तरह से पूरा बर्तन फैला हुआ है और सुबह का टाइम होता है ना कि खाना जल्दी जल्दी अगर उनको जाना होता है तो मेरा किचन पूरा फैल जाता है और कुछ इस तरह से सिंक से लेकर पूरा कैचूला तक सामान ही भरा पड़ा, मतलब बर्तन ही बर्तन है। और रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, मेरे लिए मैं बाद में बना लूँगी। तो ये नीचे मैंने रख दिया है, उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह धोना है ना उसको मैं सिंक में रखूँगी। और दाल को मतलब हस्बैंड जी को दे दिया था और बाकी दाल मैं निकाल के अलग बर्तन में रख दूँगी। और कढ़ाई वगैरह सब धोना है तो सिंक में डाल दिया मैंने। और इधर एक एक बर्तन वगैरह धो के फिर मैंने सब सिंक स्टैंड पे लगा दिया और कुछ इस तरह से हमारा किचन साफ हो गया और गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर दिया। और इधर मैं आ गई थी खिड़की साफ़ करने के लिए, तो खिड़की में ना धूल जम जाता है तो जितना भी मैं साफ़ कर लूँ फिर भी एक हफ्ते में फिर हो जाएगा। तो एक हफ्ते में 15 दिन में ऐसे साफ़ करती रहती हूँ। तो ऊपर वाला खिड़की खोला नहीं जा रहा है, बहुत टाइट है। तो मैं ये नीचे वाला खिड़की खोल के मैंने साफ़ कर लेती हूँ। ये वाला खिड़की ना बाहर से साफ़ हो जाएगा, बाहर वाला खिड़की मतलब खुला हुआ है। और बहुत ही ना ये ज़्यादा ऊपर है तो मैं मशीन के ऊपर चढ़ के फिर साफ़ किया है। और उसके बाद ना कमरे में झाड़ू लगा दिया है, पूछा नहीं लगा है। सुबह एक बार झाड़ू लगा दिया था फिर भी मैंने जैसे कि अभी साफ़ सफाई किया है तो दोबारा झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद मैं बाहर लगा रही हूँ पोछा, उसके बाद ही मैं कमरे में लगाऊंगी बाद में पोछा। तो इधर हमारी जैसे कि जीने में कभी कभार झाड़ू लगाती हूँ तो मैं कम ही झाड़ू लगाती हूँ जीने में, बस खाली डेली का डेली पोछा ही लगाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा।
क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं होता है और डेली पोछा लगाती हूँ, इसी वजह से साफ़ सुथरा रहता है। तो कमरे में भी झाड़ू पोछा हो गया है, बस कपड़े धोना है। तो कपड़े में सुबह मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले ही मैंने भिगो दिया था, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। कपड़ा डेली का कपड़ा है, इसी वजह से हल्का सा मैंने सर्फ डाला और उसके बाद हल्का सा ब्रश लगाऊंगी तो हो जाएगा। तो इधर हमारा कपड़ा वगैरह जो भी है ना, सब अच्छे से मैंने ब्रश लगा दिया है और दो तीन बार ऐसी बाल्टी में धो लूँगी। तो इधर मैं सब कपड़े अच्छे से मतलब ब्रश लगाने के बाद मैं ऐसी दो तीन बार बाल्टी में पानी डाल के भर के एक एक कपड़े को ऐसे खंगाल के निकालूंगी बाहर। और इधर हमारा कपड़े जैसे कि सब धुल गया था, तो इधर सब ना रखे हूँ, मतलब पानी इसका निकल गया है तो सब बाहर अभी फैला देती हूँ। कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं जाऊंगी देवांश को लेने के लिए। और बाकी ने जैसे कि अब चावल वगैरह बनाई नहीं थी तो वो चावल भी बनाना है, और रोटी मेरे चावल बिठा के फिर मैं अपने लिए रोटी भी बनाऊंगी। तो जैसे कि देवांश को अगर दोपहर को रोटी खाना होता है तो मैं उस थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख दूँगी, मतलब पूरा ही रोटी बनाऊँगी अभी और थोड़ा सा चावल। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।